नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। स्पेस या अंतरिक्ष, ये अपने आप में एक रोचक विषय है। इसके बारे में बात करने से ही जिज्ञासा दोगुनी हो जाती है। अनेक सवाल मन में उठते हैं कि दूर आकाश में हमारे जैसे न जाने कितने ग्रह होंगे, क्या वहाँ जीवन है, हवा पानी जो कि जिंदगी के लिए अहम है, क्या कहीं वो मौजूद है, कितना कुछ है हमारे ब्रह्मांड में जहाँ निरंतर गतिविधियाँ हो रही हैं, और इन पर लगातार नज़र बनाए रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इन गतिविधियों का असर पृथ्वी पर क्या और कैसे होगा, ये जानना भी आवश्यक है। और जब पृथ्वी पर निरंतर कुछ ना कुछ घटित हो रहा हो, ऐसे में नज़र रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी मकसद से अंतरिक्ष में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। 1998 में अंतरिक्ष में भेजे गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 20 साल पूरे हो गए हैं। साल 2000 के बाद से लगातार वहां एस्ट्रोनॉट्स का आना जाना जारी है। ISS पर अब तक 18 देशों के 232 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा चुके हैं। ISS पर 19 बार स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, जिससे हर बार वहां कुछ नई चीजें जुटाई गई, क्योंकि जितनी बार वहां एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया, हर बार स्पेसक्राफ्ट अलग था। इस वक्त स्टेशन में नासा के एस्ट्रोनॉट लेरॉय शियाओ हैं, जो स्पेस स्टेशन में आई गड़बड़ियों को दूर करने के लिए स्पेस वॉक भी करते हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, इसके 20 साल के सफर के बारे में, और जानेंगे कितना कारगर रहा इसका मकसद। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। ये पूरी मानव जाति के लिए बड़ी उपलब्धि है। विकास की राह में मनुष्यों ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, और इससे अंतरिक्ष में मनुष्यों की खोज शुरू हुई। विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की, वैसे वैसे अंतरिक्ष में भी मानवीय गतिविधियाँ बढ़ती गईं, और इसी दिशा में 20 साल पहले अंतरिक्ष में मनुष्य ने लंबी छलांग लगाई। इसे हम अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में घर बनाने जैसा मान सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। मनुष्य ने इस दुनिया में अपने कौशल और बुद्धि विवेक से काफी प्रगति की है। इसी कड़ी में धरती पर मनुष्यों ने कई नायाब और अनोखी चीजों का निर्माण भी किया है। मनुष्य सिर्फ धरती पर ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे मनुष्यों ने अंतरिक्ष में भी पैर पसारे, और इसी दिशा में अंतरिक्ष में भी कई उपलब्धियां हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी दिशा में अंतरिक्ष में मानवीय पहुंच की अनमोल विरासत है। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 20 साल पूरे हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्पेस स्टेशन है क्या। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में स्थापित एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ये एक ऐसे घर के रूप में काम करता है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। कई देश अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और उपयोग करने के लिए मिलकर काम करते हैं। धरती से भेजे गए अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़कर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया गया है। स्पेस स्टेशन एक्चुअली एक सैटेलाइट के तरह ही है। वो धरती को चारों ओर घूमता रहता है, लगभग 1.5 आवर्स का एक बार एक चक्कर काटता है, लगभग अबाउट 400 किलोमीटर्स के ऊपर है। बट ऑर्डिनरी सैटेलाइट और इसका डिफरेंस ये है दैट ये थोड़ा बड़ा है साइज में। लाइक एक मॉड्यूल एक बस का, एक बड़ा बस का साइज में होगा। सो उसमें लोग रह सकता है, काम कर सकता है, सो सकता है, खाना पका सकता है, इस तरह से उसमें फैसिलिटीज होगा। ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने और अंतरिक्ष को करीब से जानने समझने के लिए अंतरिक्ष में एक ऐसे घर की जरूरत महसूस हुई जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकें। इसी मकसद से 20 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले हिस्से को लॉन्च किया गया। सबसे पहले रूस के रॉकेट ने कंट्रोल मॉड्यूल रशियन जेरिया को भेजा। इसके करीब 2 हफ्ते बाद अमेरिकी स्पेस शटर एंडेवर को भेजा गया। इसके जरिए अमेरिका के यूनिटी नॉट को भेजा गया, जिसे बाद में जेरिया से जोड़ा गया।
धीरे धीरे अगले 2 साल में स्टेशन के लिए कई हिस्से भेजे गए। एक के बाद एक पहुंचे हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़कर स्टेशन तैयार किया गया। इस स्टेशन का हर हिस्सा अपने आप में एक यान है, जो वैज्ञानिकों की भाषा में मॉड्यूल कहलाता है। ये आपस में रोबोटिक तरीके से जुड़े रहते हैं और इनके किसी हिस्से में आई खराबी को स्वतः तरीके से ठीक कर लिया जाता है। 2 साल की मेहनत के बाद स्टेशन उस रूप में तैयार हो सका जिसमें अंतरिक्ष यात्री रह सकें। अंतरिक्ष यात्रियों का पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को इस स्टेशन पर पहुंचा और उसके बाद से इस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री रहने लगे। बाद में भी स्टेशन में कई हिस्से जोड़े गए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया भर से उसके साझेदारों ने इस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का काम 2011 में पूरा कर लिया। मॉड्यूल्स अलग अलग भेजे गए वहां पर, उनको इकट्ठा करके जोड़ा गया और उसके बाद सन 2000 में वो फाइनली जाके तैयार हुआ। तैयार इसलिए मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वहां पर रह सकें जाके। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हमारे वहाँ पर जनरेटर्स हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन हैं, तो कई एक्सपेरिमेंटल लैब्स हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों को सब धीरे धीरे जोड़ के बनाया गया। इस स्पेस स्टेशन को बनाने और ऑपरेट करने में 16 देश शामिल हैं। नासा के जरिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट की अगुवाई करता है। इसके अलावा रूस, कनाडा, जापान, ब्राजील के साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 सदस्य देश बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। आकार की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 108.5 मीटर, चौड़ाई 72.8 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इसका आकार फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। इसका वजन करीब 450 टन है। यह 320 कारों के वजन के बराबर है। इस तरह से अंतरिक्ष में भेजी गई यह सबसे भारी वस्तु है। स्पेस स्टेशन में 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेटलाइनर इतनी जगह है। इसमें एक साथ 6 लोगों का क्रू आगंतुकों के साथ रह सकता है। 3 तरीके से लोग ऊपर जाता है एक्चुअली। एक है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन पर्संस, लाइक वो स्पेस स्टेशन में आप मॉडिफिकेशन करना होगा, मे बी बैटरी चेंज करना होगा, कुछ गलत हो गया उसको ठीक करना होगा, इस तरह से इंजीनियर्स जाता है। सेकेंड है रिसर्चर्स, आप मे बी बायोकेमिस्ट है, सो अभी आप धरती में आप एक सीड को मड में डाल दिया तो सीड को पता होता है नीचे धरती ऊपर आकाश, वो इधर उधर जाके ढूंढ के ऊपर नहीं आता है ना, सीधा सीधा ऊपर आता है ना। सो इसी तरह हम स्पेस में किया तो क्या होगा। तीसरा मेडिकल रिसर्च के लिए, इस तरह से 3 तरीके से लोग उधर जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की ओर से बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस पर कुल $160 अरब का खर्च आया है। ये इतनी बड़ी राशि है कि इससे 150 से ज्यादा ताजमहल बनाए जा सकते हैं। खर्च का बड़ा हिस्सा नासा वहन करता है। इस स्टेशन को चलाने और अनुसंधान कार्यों के लिए रूस ने 2024 तक का और अमेरिका ने 2025 तक का बजट पारित कर दिया है। अन्य देश भी इसके लिए फंडिंग करते हैं। यह स्पेस स्टेशन 24 घंटे पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है। यह करीब 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। ये स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। यानी ये विशाल अंतरिक्ष यान एक दिन में पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा करता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अब तक अलग अलग देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। स्पेस सेंटर रात के समय आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे चमकदार है। अंतरिक्ष में किसी भी समय जब कोई अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। इस स्टेशन पर शोध के लिए
अंतरिक्ष यात्रियों का दल हमेशा मौजूद रहता है। 1500 से ज्यादा शोध यहां अभी तक किए जा चुके हैं। इनमें से कई शोधों ने मानव कल्याण की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई है। अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत की हर चीज समय समय पर धरती से वहां पहुंचाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्पेस स्टेशन की वजह से अंतरिक्ष में मनुष्य का रहना संभव हो पाया है, लेकिन सवाल उठता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में कैसे रहते हैं। आम लोगों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अजूबा से कम नहीं है। इस स्टेशन से अंतरिक्ष में हमेशा मनुष्य की उपस्थिति मुमकिन हो सकी। नवंबर 2000 में इस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट का पहला क्रू पहुंचा और उसके बाद से हर समय अंतरिक्ष में मनुष्य की मौजूदगी है। ये स्टेशन वेधशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ एस्ट्रोनॉट ऐसे अनुसंधान में जुटे हैं जिसे दूसरी जगह करना संभव नहीं है। इस शोध का फायदा धरती पर रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा रहा है। जब लोग लंबे वक्त तक माइक्रोग्रेविटी के हालत में रहते हैं तो शरीर पर क्या असर पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से इस तथ्य की पड़ताल करना वैज्ञानिकों के लिए संभव हो पाया। दरअसल माइक्रोग्रेविटी भारहीनता की स्थिति है जो अंतरिक्ष में होता है। वो 20 साल काम करता रहा है एंड लगभग 2000 से दैट इज ऑलमोस्ट 18 ईयर्स कंटिन्यूसली स्पेस में, वो स्पेस स्टेशन में कम से कम एक आदमी रहा है। सो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है दैट हम अर्थ के बाहर हम रह सकता है उसके बारे में हम सोच सकता है करके हमको ये एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ग्रेविटी वजह से मैंने बताया 90% कम है वहाँ पर ग्रेविटी, तो नेचुरली थोड़ा सा हमारा वेट जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है कि हम वेटलेसनेस होते हैं। थोड़ा सा होता है उसमें, बहुत बिल्कुल आउट ऑफ स्पेस में तो जीरो ग्रेविटी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं इसको। तो वो जैसे हम आप और हम लोग रहते हैं, सारे काम वैसे ही करते हैं, वो लोग वहाँ पर भी खाना भी खाते हैं, तो डेली के जो काम होते हैं सारा कुछ करते हैं वहाँ पर। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते होंगे। धरती पर तो हम कंपास की मदद से दिशा का पता कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में दिशा जैसी कोई चीज नहीं होती। भारहीनता की वजह से स्टेशन के भीतर एस्ट्रोनॉट झूलते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी नहीं झेलनी पड़ती। अंतरिक्ष यात्री दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन वे खाना बैठकर नहीं खाते, वो बस खुद को स्थिर करके हवा में तैरते रहते हैं। ये नहीं है दैट आप पानी इधर से टैंकर मंगा सकता है उधर, है ना। एक इम्पोर्टेंट फूड उधर, अभी चीज थोड़ा चेंज हो गया। पहले सिर्फ ड्राई फूड ही लेके जा सकता था, बट अभी उधर कुकिंग करने के लिए भी थोड़ा वर्कआउट कर दिया, बट स्टिल इधर कितना वैरायटी मिल रहा है उस तरह से वो नहीं होगा। फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल का एक बहुत बड़ा सवाल है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रोजमर्रा का रूटीन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दिनचर्या में आधे घंटे का बदलाव भी 24 घंटे के सामान्य चक्र को विपरीत ढंग से प्रभावित करता है। स्लीप स्टेशन होते हैं जहां दरवाजे बंद करने के बाद अंधेरा और काफी शांति होती है। अगर कोई समस्या होती है तो अलार्म की आवाज सुनाई पड़ती है। टॉयलेट के पास हमेशा नाइट बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों को जागने पर पता चल सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। तकनीकी रूप से पता होना चाहिए कि काफी कम जगह में लोगों के साथ कैसे रहना है। वहां जाने से पहले धरती पर नए माहौल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पानी के भीतर कुछ गुजारना पड़ता है। इससे अंतरिक्ष मिशन के दौरान एक बक्से नुमा चीज में बंद रहने का अच्छा खासा अनुभव हो जाता है। स्पेस स्टेशन में खान पान से लेकर पोशाक तक का ख्याल रखा जाता है। सामान्य पोशाक में अंतरिक्ष में कदम नहीं रखा जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री हमेशा एक खास तरह की ड्रेस पहनते हैं, एक मोटा सा सूट और उस पर हेलमेट का ऑक्सीजन मास्क भी लगा रहता है। इसे स्पेस सूट कहते हैं।
इस स्पेस सूट को पहने बगैर अंतरिक्ष में रहना संभव नहीं। हार्ड अपर टॉर्सो नामक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के सूट तैयार किए जाते हैं। इस सूट को पहनने के बाद हमारे शरीर का तापमान और बाहरी वातावरण से शरीर पर पड़ने वाला दबाव नियंत्रित रहता है। ये सूट अंतरिक्ष में मौजूद हानिकारक किरणों से शरीर को बचाने के लिए कवच का काम करता है। जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक पर जाते हैं तो स्पेस सूट के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है जिससे वे सांस ले सकें। हमारा शरीर से बहुत ज़्यादा वेपराइज्ड मटेरियल आता है ना, हमारा स्मेल वगैरह वगैरह, सो वो एयर में होगा। इधर हम धरती में होने के समय, विंड होने के समय उसमें मिक्सिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट उधर वो सब नहीं होगा। सो उसका मतलब वो एयर को आप लेके प्यूरीफाई करके दोबारा करना है। सो ये इतना सिंपल काम नहीं है, दैट उधर वो सर्कुलेशन, एयर को सर्कुलेट करने का उधर तरीका है ना, वो एक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1500 से ज्यादा शोध किए जा चुके हैं। इनमें खगोल विज्ञान से जुड़े मामलों की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा जीव विज्ञान, भौतिकी, मौसम विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अहम शोध हुए हैं। आकाशीय बिजली की तस्वीर जैसे छोटे काम से लेकर डार्क मैटर की खोज की जा चुकी है। डस्ट प्लाज्मा में क्षेत्र का पता यहीं लगा। भविष्य में होने वाले चांद और मंगल मिशन समेत सुदूर अंतरिक्ष अभियानों में इसकी बड़ी उपयोगिता साबित हो सकती है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 20 नवंबर 1998 को जब दुनिया के चुनिंदा खगोलविदों, इंजीनियरों और रॉकेट वैज्ञानिकों के अभूतपूर्व प्रयास से पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया आवाक रह गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अनेक अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष प्रयोगों का गवाह बना हुआ है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अब तक के कौन कौन से यादगार पल रहे और कैसे बढ़ा ये सफर। And we're getting a picture on the TV. ये 1980 का दशक था जब अमेरिका अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन मिशन भेजने के बारे में सोचने लगा था। जल्द ही इस मिशन में कनाडा, जापान और यूरोप भी शामिल हो गए, लेकिन शुरुआत में तत्कालीन USSR यानी सोवियत संघ को इस अभियान में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह थी कि उन दिनों शीत युद्ध के कारण USSR और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं थे। साल 1991 में सोवियत संघ ने विघटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए बदलाव के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में तत्कालीन सप्लायर के तौर पर एक छोटे से सीमित क्षेत्र के लिए शामिल कर लिया। इसके अगले ही साल राष्ट्रपति क्लिंटन ने रूस को इस मिशन में पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल करने की घोषणा की। ये एक व्यावहारिक और राजनीतिक निर्णय था क्योंकि रूस ने साल 1986 में ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन मीर को स्थापित कर दिया था, लेकिन अत्यधिक लागत और सुरक्षा कारणों के चलते उसने साल 2001 में इसे दक्षिण प्रशांत महासागर में गिरा दिया था। रूस के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन में शामिल होने का मतलब था कि उसके तकनीक का फायदा उठाया जा सके और इसकी लागत को कम भी किया जाए। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 20 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल जेरिया को रूसी प्रोटोन रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। जेरिया का कार्गो ब्लॉक आज वहां मौजूद है और ठीक से काम कर रहा है। इसके एक महीने बाद अंतरिक्षयान एंडेवर को लॉन्च किया गया। इसके साथ यूनिटी कनेक्टिंग मॉड्यूल यानी नॉड 1 को भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए अमेरिका द्वारा बनाया गया यह पहला मॉड्यूल था। इसे जेरिया के साथ जोड़ा गया जो आज तक काम कर रहा है। साल 2000 में पहली बार अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। बिल शेफर्ड नासा के पहले अंतरिक्ष यात्री बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री यूरी गिडजेनको और सर्गेई क्रिकालेव भी थे। ये लोग लगभग 141 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहे। सबसे पहला यादगार तो है 1998 में जो इन्होंने फर्स्ट रशियन इसका मॉड्यूल लॉन्च किया था, जायरा करके नाम था उसका, तो वो वहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो वो सबसे पहले शुरुआत थी कि हम स्पेस स्टेशन, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं जहाँ पर हम एक एक्सटेंडेड पीरियड तक हम लोगों को रख सकते हैं,
वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो उसके बाद तो कितने सारे लॉन्चेस हुए, अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स वहाँ पर भेजे गए और लगाए गए, सो दैट वो फाइनली जो है 2000 में जाके वो तैयार हुआ पूरा। नासा ने साल 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया को भेजा, लेकिन ये अभियान असफल रहा और इस अभियान में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत हो गई। इस अभियान के असफल होने के बाद नासा ने अगले 2 साल तक कोई भी अंतरिक्ष अभियान नहीं भेजा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की देखरेख की जिम्मेदारी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस को दी गई। कल्पना चावला का एक और इम्पोर्टेंट इश्यू है दैट वो एक्चुअली इंडिया में बॉर्न हुआ था। स्टिल वन इम्पॉर्टेंट लॉस इन अ सेंस बोथ फॉर स्पेस कम्युनिटी एंड इंडिया को भी इस कल्पना चावला का दैट डेथ। आई मीन हर विजिट वॉज वेरी एक्सलेंट, दैट होल प्रोग्राम वॉज एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा था, बट वो री एंट्री में एक छोटा सा मिस्टेक के कारण उनका लाइफ नष्ट हो गया। समय के साथ साथ ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कई नए मॉड्यूल जोड़े गए। इनमें साल 2007 में भेजा गया जापान का किबो मॉड्यूल सबसे बड़ा है। इन सब मॉड्यूल ने मिलकर ISS पर सौर ऊर्जा की क्षमता का काफी विस्तार किया है। किबो के जरिए कई अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी कंपनियां अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए इसका उपयोग करती हैं। इसके साथ साल 2010 में कोपुला मॉड्यूल भेजा गया, जो सभी भेजे गए मॉड्यूल्स में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसकी वजह है कि इसमें लगे 7 विंडो बबल किसी वैज्ञानिक कल्पना जैसे लगते हैं। ISS पर होने वाली फोटोग्राफी में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। कोपुला में लगे उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल कैमरे के कारण ऊपर से पृथ्वी का फोटो काफी साफ और हाई क्वालिटी का लेना संभव हो पाया। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जो भी वहाँ पर हम गए थे, वो दोनों गई थी वहाँ पर, तो एक बड़ा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए, मुझे याद है अभी 2012 में पावर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पर, पावर शॉर्टेज का। तो जो दो क्रू मेंबर्स गए थे उसमें से सुनीता विलियम्स भी एक थी और उन्होंने 100% पावर जाके रिस्टोर किया था। एक अचीवमेंट है ये। एक आप देखिए कि इतने मीलों दूर वो है आउट ऑफ स्पेस में और हम इंसान वहाँ जाके हम पावर रिस्टोर कर पा रहे हैं, और सबसे गर्व की बात यह है कि उसमें से एक इंडियन लेडी थी। तो देखिए ना, ये कितनी एक प्राउड ऑफ दैट एक्चुअली। साल 2015 में अंतरिक्ष में गए अंतरिक्ष यात्री जेनेडी पदालका ने अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 878 दिन वहां बिताए। इसके बाद अप्रैल 2016 में अंतरिक्ष में गए अंतरिक्ष यात्री पीक गेंस ने 3 घंटे से ज्यादा का मैराथन दौड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। साल 2018 में अंतरिक्ष यात्री निक हेक और एलेक्सी ओवचिनन को लेकर अंतरिक्ष में जाने वाले सोयज रॉकेट लॉन्च के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को हानि नहीं पहुंची, लेकिन इसने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इसके बाद रूस समेत कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां पूरी सावधानी के साथ अंतरिक्ष में अपने मिशन को भेजने पर लगी हुई हैं, इस तैयारी के साथ कि फिर इस तरह की घटना ना हो। लगातार 20 सालों के सफल संचालन के बावजूद ISS का भविष्य काफी उज्ज्वल है, और ISS के बिना अंतरिक्ष में मानव गतिविधियों की कल्पना करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही शिशु के पहले कदम की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं और साल 2022 तक किसी भारतीय को भारत में बने अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। अगर हमारा ये अंतरिक्ष मिशन सफल रहता है तो भारत एक ऐसी उपलब्धि को हासिल कर लेगा जिसे फिलहाल सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ने ही हासिल की रखी है। फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया
कि 2022 तक गगनयान के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजेगा। ऐसा होने पर भारत मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानव यान को अंतरिक्ष में भेजने में समर्थ है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री देश में ही विकसित गगनयान से भेजा जाएगा। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3D-2 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस क्षेत्र में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 नवंबर को दोहरी कामयाबी हासिल की। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-29 और उसे ले जाने वाले रॉकेट GSLV Mark 3D-2 दोनों का कामयाब प्रक्षेपण किया। GSLV Mark 3D-2 रॉकेट 3,423 किलोग्राम GSAT-29 सैटेलाइट लेकर उड़ान भरी और 17 मिनट बाद ही उसे निश्चित ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में निकट भविष्य के अपने सबसे बड़े लक्ष्य का एक अहम पड़ाव पूरा कर लिया। 2022 से पहले भारत मिशन गगनयान के तहत किसी भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है और वो भारतीय इसी GSLV Mark 3 रॉकेट से भेजा जाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित मानव निर्मित स्टेशन है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। देखिए, इंडिया का इसरो जो है वो एक अभी वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड में। उन्होंने इंडिजिनसली जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। तो इट्स रियली कमेंडेबल कि हमने इतने कम टाइम में हमने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की है हमने, और बहुत कम हेल्प लिया है हमने विदेशी देशों से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे इसरो के लिए भी कि हम ये फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं कि दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द ISS। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अपना पहला मानव युक्त यान भेजने से पहले भारत इसके प्रशिक्षण मिशन के लिए साल 2022 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज सकता है। हालांकि भारत ने कागजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा की योजना 2008-09 से ही बनानी शुरू कर दी थी। मौजूदा योजना के तहत भारत के गगनयान के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होगी। गगनयान मिशन की तैयारियों के लिहाज से इसरो के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।